बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुनाल। तो आज की जो वीडियो है वो है पावर ऑफ ईमान चैनल से, और वीडियो का टाइटल है एक अजीमो शान सुन्नत, मौलाना तारिक जमील बयान, शॉर्ट वीडियो। ओके, तो एक अजीमो शान सुन्नत, तो देखते हैं किस बारे में बात हो रही है और मौलाना तारिक जमील साहब की जुबानी है। तो मेरे नबी की उस खूबसूरत जिंदगी में से सिर्फ एक हदीस आपको सुना, और उसके बारे में आपने एक अजीब लफ्ज इस्तेमाल फरमाया कि वैली करमिन सुन्नत, ये मेरी अजीम शान सुन्नत। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि और किसी जगह ये लफ्ज नहीं आया, और मैं इतना जरूर कहता हूं कि मेरी याददाश्त के मुताबिक मेरी ये लफ्ज और मुझे कहीं याद नहीं। लेकिन मैंने कौन सा सब कुछ पढ़ा हुआ है, जितना मेरी नजर से गुजरा है और मेरे जहन में महफूज है, ये लफ्ज सिर्फ यही आया है कि बेटा ये मेरी अजीम शान सुन्नत है। मेरे नबी की हर सुन्नत ही बहुत बड़ी है, लेकिन खुद आपकी जबान मुबारक से निकला कि ये मेरी अजीम शान सुन्नत। ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये पगड़ी भी सुन्नत है, ये सफेद लिबास भी सुन्नत है, सीधे हाथ से खाना भी सुन्नत है, निकाह भी सुन्नत है। लेकिन अजीम शान सुन्नत, मेरी अजीम शान सुन्नत, ये मेरी याददाश्त में इसी एक जगह पर है कि मेरे बेटे अनस, ये मेरी एक अजीम शान सुन्नत है। वमन अहब सुन्नती, जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा, फकद अहबनी, वो है मुझसे प्यार करने वाला। मोहब्बत का दावा तो अल्लाह के फजल से आप मुसलमान के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, चाहे थोड़ी है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कोई दिल इससे इंशाल्लाह खाली नहीं है। लेकिन जिसको आपने मैयार करार दिया कि जो मेरी इस सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो है मुझसे मोहब्बत करने वाला। वमन अहब सुन्नती काना माया फिल जन्ना, जो मेरी इस सुन्नत से प्यार करेगा वो जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। तो अब आप उसका फायदा देखें कि क्या कुछ मिलने वाला है, कि सिर्फ जन्नत नहीं मिल रही, जन्नत में अल्लाह के नबी का साथ मिल रहा, जो जन्नत से भी कीमती चीज, जन्नत से भी ज्यादा चीज। क्या है वो? या बुनैया, आपने हजरत अनस से फरमाया, या बुनैया इन इस्तताअत अन तुस्बिहा व तुंसिया व लैस फी कल्बिका गिश्शन लिअहदिन फफ़अल ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه। मेरे बेटे अनस, एक काम करना है और ये काम जिंदगी भर करना है। तुस्बिह व तुमसिया, ये काम जिंदगी भर का है, पांच वक्त की नमाज की तरह नहीं, साल के 30 रोजों की तरह नहीं, जिंदगी में एक दफा हज की तरह नहीं, इशराक अवाबीन के नवाफिल की तरह नहीं, कुरान की तिलावत और तस्बीह की तरह नहीं, ये काम जिंदगी भर का है, हर लम्हे का है, हर वक्त का है, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, खजा हो, बहार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, जिंदगी के हर दौर में, हर लम्हे में, हर पल में मेरे बेटे एक काम करते रहना, इस दिल में किसी की नफरत ना पालना, ये मेरी अजीम शान सुन्नत। आप इसमें गौर फरमाएं, ले आहदिन, किसी मुसलमान से नफरत ना करना ये नहीं फरमाया। ले आहद, 7 अरब दुनिया में इंसान है, 7 अरब। मेरे नबी फरमा रहे हैं दुनिया में किसी इंसान से बोझ ना रखना, खोट ना रखना, नफरत ना कर। और
हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नफरत को ऐसे पालते हैं जैसे माँ बच्चे को पालती, और हमारे यहाँ इंतकाम और बदला और बुगज ये ऐसे पलता है जैसे माली पौधे को पालता है। और मेरे नबी ऐलान फरमा रहे हैं कि मुझसे मोहब्बत करने वाला वो है जिसके यहां किसी से नफरत न हो, किसी से, हिंदू सिख ईसाई तहरिया मुशरिक मोमिन काफिर मुसलमान जुआरी शराबी शराब बेचता है जुए का अड्डा चला जो भी करता है वो उसका और अल्लाह का मामला है, हिसाब अल्लाह ने लेना है, तारे जमीन ने नहीं लेना। लिहाजा तू क्या कर मेरे बेटे अनस, तू सबसे दिल को साफ रख साफ रख साफ रख, जो कि एक दफा साफ करने से साफ नहीं होगा। तुस भी हवत उनसिया, कपड़ा अभी पहना शाम तक मैला हो गया दोबारा पानी से धो, फिर मैला हो गया फिर धो, बर्तन इस्तेमाल किया मैला हो गया पानी में डाल के साफ करो फिर इस्तेमाल करो। ये दिल तुस भी हवत उनसिया में इशारा है कि दिल पर भी ऐसे ही गुबार आते रहेंगे, कभी नफरत कभी बुगज कभी हसद कभी हकारत कभी कमी कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या करते रहना है, साफ करना है साफ करना है साफ करना है। ये वो जंग है जो नजर तो आती नहीं पर इससे खौफनाक जंग कोई नहीं, न तलवार है न कलाशनकोफ है न बम है न चाकू है न खंजर है न पिस्टल है न गर्मी का रोजा है न 20 घंटे का आपका लंबा रोजा है न वो हज के लिए मक्के तक जाना है, ये बैठे बैठे जंग है। और मैंने जिंदगी में ऐसी खौफनाक जंग कोई नहीं देखी कि इंसान सारी दुनिया से लड़ता है अपने आप से नहीं लड़ सकता, अपने हाथों शिकस्त खा जाता, सारी दुनिया को शिकस्त देने वाले शाहजोरों की तारीख पढ़ो अपने हाथों कैसे शिकस्त का, छोटी छोटी ख्वाहिशात पर कैसे टूट जाते थे गिर जाते थे इंसान बिखर जाता है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह का जो पैगाम है वो हम सबको दिया है वो स्वयं, और ये फरमाया है कि इस कायनात में 7 बिलियन लोग रहते हैं 7 अरब लोग रहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ पैर वो प्यार बढ़ाओ बाकी उसे बैर करो, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा कि सबके साथ अच्छा सलूक करो और बैर का सलूक ना करो, और हर किसी को एक ही मानो, हर मतलब वैसा बैर का सलूक ना करो, सबसे और सबसे मोहब्बत करो। मेन बात है मोहब्बत, हम सबके दिलों में ना मोहब्बत वाकई में नहीं है। हम आसपास हमने देखते हैं हर बंदा ना भरा पड़ा है लड़ाई करने के लिए कि हमें लड़ना है ये करना है वो करना है, और हम सबके दिलों में ना मोहब्बत होनी चाहिए, कूट कूट के मोहब्बत होनी चाहिए, जबकि हमारे सब दिलों में ना लड़ाई और ये सब बदला लेना। और वाकई में इन्होंने सीखा मौलाना साहब ने कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सब है कि हमें बदला लेना है, हम नहीं लेंगे तो हमारा बच्चा लेगा, वो नहीं लेगा तो उसका बच्चा लेगा। तो ये जो बदले की भावना है ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है कि बिगाड़ना बिगाड़ना, उसने हमारा ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। तो ये सब चीज़ें ना हम सब में वाकई में हेट कूट के भरी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आप अगर देखोगे यूरोप में कितने साल लड़े हैं आपस में, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने साल आपस में लड़े हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, इतना खून बहा है, उसके बाद भी जाके वो एक हो गए। आप अगर किसी एक यूरोप कंट्री में जाओगे तो आप किसी भी यूरोप कंट्री में जा सकते हो, आप मतलब बॉर्डर सबके खुले हुए हैं, आपको पता भी लगेगा कब कंट्रियां चेंज हो जाएंगी। बट यहाँ तो एक परिंदा नहीं दूसरे कंट्री में जा सकता, इतना वो इतनी टाइट सिक्योरिटी और इतना ये सब है। तो वो मोहब्बतें होनी चाहिए और मेरे हिसाब से तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे होनी चाहिए। हमें भी परमिशन मिलनी चाहिए, हम पाकिस्तान जाएं बांग्लादेश जाएं और कल को श्रीलंका भी जाएं, नेपाल तो चलो हम जा ही रहे हैं, भूटान भी जाएं, और ये सब ओपन होना चाहिए और वहाँ के लोग यहाँ आए यहाँ के लोग वहाँ आ जाएं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बस अपना दिल को बड़े करने की बात है कि अगर आपने अपना दिल बड़ा कर लिया, अगर आप बड़े हो छोटे हो आप अपना दिल खोल दिया दूसरे के लिए तो फिर मज़ा जीने का मज़ा वाकई में उसे नहीं। तो ये थी मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।